हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धनुश्री और मैं हूं ज्योति और आप हैं संस्कृति प्रोडक्शंस के बॉलीवुड टशन चैनल पर। तो जो दोस्तों आज हम बात करेंगे अभिनव द्वारा निर्देशित फिल्म ब्लैकमेल के बारे में, तो आइए जानते हैं ब्लैकमेल फिल्म के बारे में। दोस्तों ब्लैकमेल जो फिल्म है, इस फिल्म में इरफान खान, कृति कुल्हारी, दिव्या दत्त और अरुणोदय सिंह मेन किरदार में है और इरफान खान सबसे मेन लीड एक्टर है इस फिल्म के। तो ये फिल्म इरफान खान के इर्द गिर्द ही घूमती है क्योंकि इरफान खान अपनी एक बोरियत जिंदगी जीते हैं, लेकिन अचानक वो अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए कुछ नया सोचते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहता है जिसके बाद वो कुछ इस फिल्म में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। और ये फिल्म जो है काफ़ी एंटरटेनिंग फिल्म है क्योंकि एक डार्क कॉमेडी फिल्म है। तो दोस्तों जैसे कि ज्योति ने आपको बताया कि ये एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जो कि अभिनव देव ने डायरेक्ट की है। आपको बता दें कि अभिनव देव डायरेक्टर जो है वो इसी टाइप की फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पिछली फिल्म डेली बेली, फोर्स टू और गेम में भी आपने इस टाइप की स्टोरीज देखी होगी। वहीं स्टोरी लाइन की बात करें तो ये फिल्म काफ़ी कॉमेडी जॉनर की है और साथ साथ सीरियस प्लॉट भी टच करती है। आपको समझ नहीं आएगा कि सिचुएशन पर हंसा जाए या फिर सीरियस हुआ जाए। वही फिल्म की स्टोरी लाइन की बात करें तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा स्लो है और मगर कहीं ना कहीं इंटरमिशन तक आते आते फिल्म स्पीड पकड़ लेती है। वहीं सेकेंड हाफ की बात करें तो सेकेंड हाफ काफ़ी अच्छा है और लोगों को अपने आप तक बांधे रखता है, काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। मगर लास्ट के 20 मिनट में कुछ कन्फ्यूजन सा हो जाता है क्योंकि फिल्म में इरफान खान जो ब्लैकमेलर का किरदार निभा रहे हैं, फिल्म में इतने ब्लैकमेलर को हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन असली ब्लैकमेलर है और कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि फिल्म धमाल तो कहानी बेमिसाल। ये फिल्म एक ऐसी ही है कि जो कि आपको ये फिल्म बहुत पसंद भी आएगी और बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें इरफान खान है। उनकी एक्टिंग की बात करें तो इरफान खान ने इस फिल्म में एक्टिंग बहुत ही कमाल की है क्योंकि वो वैसे भी सीरियस कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, तो इसमें वो उनका जो किरदार है वो एक कॉमेडी के एक बहुत सीरियस किरदार निभा रहे, तो वो इतने सीरियस किरदार के साथ वो कुछ ऐसा कर देते कि आपको खुद एक हंसी आ जाएगी उनके किरदार के ऊपर। साथ ही अगर उनका देखा जाए तो फिर कृति कुल्हारी जो उनकी को पार्टनर है, जो को एक्टर है इस मूवी में, उनकी भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी है। वैसे भी कृति कुल्हारी की एक्टिंग सभी को अच्छी लगती है और काफ़ी मूवीज़ में उनको देखा गया है, तो वैसे भी दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी। हालांकि इस मूवी में जो कैरेक्टर्स है वो अपने अलग अलग कैरेक्टर से, कोई किसी से कनेक्ट नहीं करता, लेकिन सभी ने अपनी एक्टिंग बेहतरीन ढंग से निभाई है। वही इस फिल्म में जो अरुणोदय सिंह है, उन्होंने एक जो कैरेक्टर निभाया वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है वो आपको इतना हंसाएगी, इतना हंसाएगी आप खुद सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली आप किसके एक्टिंग को जज करें, क्योंकि इसमें जो ये इस मूवी में जो भी सारे स्टार्स जो भी एक्टर्स है उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी। वही दिव्या दत्त जो कि अपने बिंदास एक्टिंग के लिए बहुत जानी जाती है, हर एक मूवी में उनकी बिंदास एक्टिंग रहती है, वैसे ही इस मूवी में भी उनका जो बिंदास एक्टिंग है बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने निभाया है। उनके डायरेक्शन की बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इस फिल्म को अभिनव देव ने डायरेक्ट किया है और उनके डायरेक्शन पे शक किया ही नहीं जा सकता। उनकी पिछली फिल्मों की तरह ये फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त है और हम सबको काफ़ी पसंद आई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपको भी बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इस फिल्म को प्रेजेंट किया है, उनका प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अट्रैक्टिव है और लोग इस फिल्म से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं तो इस फिल्म से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुई और मैं कहीं पर भी डिसकनेक्ट नहीं हुई। बस लास्ट के 20 मिनट थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी, लेकिन क्लाइमैक्स फिल्म का काफ़ी अच्छा था। दोस्तों जैसा कि धनुश्री ने कहा कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स है जो कि बहुत ही अच्छा है और आप लोगों को कहीं ना कहीं खुद से बहुत कनेक्ट कर लेगा। ये फिल्म आपको आखिरी तक बांधे रखेगी, लेकिन इसमें ऐसा है कि आप एग्जैक्टली समझ नहीं पाएंगे जो लास्ट की, जैसे कि धनुश्री ने आपको बताया कि लास्ट के जो 20 मिनट्स है कि आप एग्जैक्टली बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि कौन ब्लैकमेलर। आपको लगा कि हाँ ये ब्लैकमेलर, नहीं नहीं ये होगा, अरे नहीं नहीं ये होगा, तो आप लिटरली पूरे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि एग्जैक्टली ब्लैकमेलर है कौन। वही अगर सॉन्ग्स की बात करें तो इस फिल्म को वैसे भी जैसे कि डार्क कॉमेडी फिल्म है तो डार्क कॉमेडी फिल्म को सॉन्ग्स की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन इस फिल्म में जो सॉन्ग है वो काफ़ी अच्छे हैं। पर्सनली मुझे जो सॉन्ग पसंद आया है वो है हैप्पी हैप्पी, क्योंकि ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे पर्सनली सॉन्ग बहुत पसंद है। लेकिन इस फिल्म में एक और सॉन्ग है और वो है आइटम सॉन्ग, और इस आइटम सॉन्ग में आपको उर्मिला जी कम बैक करते हुए नजर आएंगी और इस सॉन्ग का नाम है बेवफा ब्यूटी। उर्मिला जी जिस तरह ब्यूटी है, जिस तरह उनकी वो जितनी ब्यूटीफुल, जितनी गॉर्जियस है, उसी तरह उतनी ब्यूटीफुल ढंग से उन्होंने इस सॉन्ग में अपना किरदार निभाया है और उतनी ही आइटम नंबर से उन्होंने जो डांस किया है कि वो आपको झूमने के लिए मजबूर ही कर देंगे।
वहीं ओवरऑल फिल्म की बात करें तो फिल्म काफी एंटरटेनिंग थी और हमें लास्ट तक फिल्म ने कनेक्ट रखा है और इरफान खान की एक्टिंग तो फिल्म का यूएसपी साबित होने वाली है और हम यही कहेंगे कि आप ये फिल्म जरूर देखें इरफान खान की एक्टिंग के लिए, अभिनव देव के डायरेक्शन के लिए और उर्मिला मातोंडकर के सॉन्ग के लिए। हम चाहेंगे कि आप ये फिल्म जरूर देखें। तो दोस्तों ओवरऑल हमें तो फिल्म काफी पसंद आई है। दोस्तों ये था अभिनव देव की फिल्म ब्लैकमेल का मूवी रिव्यू और इस फिल्म को हम देना चाहेंगे 4 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देखी तो ये फिल्म आपको कैसी लगी, साथ ही ये मूवी रिव्यू आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और बॉलीवुड टशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज सब्सक्राइब बॉलीवुड टशन। आल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन एंड नेवर मिस एनी फिल्मी बॉलीवुड अपडेट। स्टे विद अस।